अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेक्सस LX570 का एक बेसिक सा वॉक अराउंड लेके आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मस्त है, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इंस्टाग्राम आईडी का, वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। और ये गाड़ी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी साइकिल मोटर्स रावलपिंडी पे। इनकी तमाम डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप ये लेक्सस खरीदना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये रिव्यू। तो सबसे पहले इसकी की से स्टार्ट करते हैं। की पे आपके पास लॉक अनलॉक ट्रंक रिलीज और बैक पे लेक्सस का एम्बलम आ जाता है। काफ़ी बेसिक सी की है। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात की जाए तो काफ़ी मैसिव से लेक्सस की ग्रिल आ जाती है और इसके लुक को काफ़ी अग्रेसिव बना रही है। इसमें आपके पास शाइनी मटेरियल्स दिए गए हैं, देन आपके पास क्रोम एक्सेंट्स जो के साइड पे जा रहे हैं। गाड़ी में आपके पास प्रोजेक्टर सेटअप, एलईडी लाइट्स आती हैं जिसमें आपके पास ये टर्न सिग्नल्स और एलईडी डीआरएल्स भी दी गई हैं। फ्रंट पे आपके पास हेडलैम्प वॉशर आ जाते हैं। नीचे की बात की जाए एलईडी लाइट्स दी गई हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइट्स दी गई हैं। फ्रंट पे आपके पास लेक्सस का एम्बलम आ जाता है और जो के जैसे लैंड क्रूजर में टोयोटा का एम्बलम आता है 3D, उसी तरह का 3D एम्बलम है। ऊपर की बात कीजिए इसके सेंसर दिए गए हैं और इसके एम्बलम में भी कुछ सेंसर दिए जाते हैं। ऑब्वियसली 5.7 लीटर V8 होती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड पे आपके पास काफ़ी बड़े इसके अलॉय रिम्स दिए गए हैं जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 20 इंचेस के होने चाहिए, ओके 21 के हैं, 275/50 R21 इंचेस के अलॉय रिम्स हैं। साइड की बात की जाए तो आपके पास एलईडी टर्न सिग्नल्स दिए गए हैं। डोर्स पे पैसिव एंट्री की ऑप्शन आ जाती है। साइड पे क्रोम लाइनिंग रूफ रेल्स दी गई हैं। नीचे भी एक क्रोम एक्सेंट से आ रहे हैं जस्ट लाइक लैंड क्रूजर में आपके पास आते हैं। क्रोम एक्सेंट आप चेक कर सकते हैं। बैक पे आ जाते हैं तो बैक का मैं आपको दूर से एक व्यू दिखाता हूँ। तो सबसे ऊपर शार्पन एंटेना, स्पॉयलर, हाई माउंट ब्रेक लैंप, रेयर वाइपर आ गया। देन इसमें आपके पास लावा एलईडी लाइट्स हैं, ऑल एलईडी लाइट्स हैं। इसमें रिवर्स लाइट आपके पास यहाँ पे दी जाती है जो कि ये भी एलईडी में की गई है। लेक्सस का एम्बलम LX570, इसमें आपके पास स्प्लिट टेल गेट आता है। नीचे आपके पास रेयर फॉग लाइट्स दी गई हैं और एग्जॉस्ट टिप्स, ये ऑब्वियसली रियल नहीं है, ये फेक एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इस पर जो कि बॉडी किट का हिस्सा है। बैक पे आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी दिए जाते हैं। रिवर्सिंग कैमरा अब यहाँ पे इसका एक बटन दिया जाता है जिसको आप प्रेस करेंगे तो इसका बूट ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसकी लाइट ऑन हो गई है जैसे ही मैंने गाड़ी को अनलॉक किया है। तो इसमें आपके पास ऑटो टेल गेट की फैसिलिटी अवेलेबल है, ये देख सकते हैं बटन इसका दिया गया ऑटो टेल गेट का। जैसे पहले बताया स्प्लिट टेल गेट है। बैक पे आपके पास रेयर सीट्स ऑटोमेटिक है, यहाँ से आप इनको फोल्ड या रिक्लाइन भी कर सकते हैं। बैक पे आपके पास एक चार्जिंग आउटलेट दिया गया और इंटीरियर कलर देखे कितना एक थोड़ा सा काइंड ऑफ अ मरून इंटीरियर है इसका जो कि मैं आपको फ्रंट से चल के डिटेल में इसका दिखाता हूँ। सो मैं बैक साइड से आ चुका हूँ। बैक पे आपके पास शेड्स आ जाते हैं, साउंड सिस्टम, वुडन ट्रिम्स और ये सॉफ्ट पैडिंग इसके हर जगह। ऑब्वियसली एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है तो ये सब कुछ आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेयर सीट्स भी ऑटोमेटिक हैं। नीचे आपके पास पेडल लैंप आ जाता है, डिसेंट पोर्टल होल्डर है और इसमें मार्क लेविंसन का साउंड सिस्टम आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखा मैंने सही कहा ना। बैक पे आपके पास इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है और बैक पे आपके पास कैबन लाइट्स भी दी गई हैं और रीडिंग लाइट्स भी हैं। इस तरह थर्ड रो में भी रेयर एयर वेंट्स वगैरह आ जाते हैं। अब इसमें आपके पास काफ़ी ज़्यादा एयरबैग्स आते हैं, मतलब ड्राइवर, पैसेंजर, कर्टन एयरबैग्स। और इसी तरह नीचे की बात की जाए तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल थर्ड सेकेंड रो के लिए भी दिया गया है, देख सकते हैं आप। और वुडन ट्रिम्स काफ़ी ज़्यादा इसमें आपको मिल जाती हैं। देन इसी तरह अगर मैं ये इसका ओपन करके आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम नॉब दी गई, HDMI पोर्ट दिया गया है और नीचे इसका 12 वॉट आउटलेट दिया गया। बैक का व्यू काफ़ी बेहतरीन है, परफेक्टेड सीट्स हैं, सफिक चाइल्ड सीट माउंट, एडजस्टेबल हेड रेस्ट। चलिए आप चेक कर सकते हैं इसका। इस वक्त इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो चुका है जिसमें आपके पास ब्लूटूथ, ऑक्स और डिफरेंट पोर्ट्स, टीवी की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो यहाँ से आप इसको रेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका रिमोट दिया जाता है जो कि वंस अगेन आगे पड़ा है। इसके जैसे आप गाड़ी ऑन करते हैं तो ये इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन्स ऑन हो जाती हैं। साइड पे आप देख सकते हैं इसका कोई बटन नहीं दिया गया, ऑटोमेटिक ही ये ऑन होती हैं। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये टच स्क्रीन नहीं है, ये थ्रू बटन ही आपको इसको एक्सेस करना पड़ता है। नीचे की बात की जाए जैसे मैं पहले बताया यहाँ पे इसके तमाम पोर्ट्स
आ जाते हैं जिसमें इसका HDMI पोर्ट, वॉल्यूम नॉब और नीचे से आप इसको बाकी कनेक्ट कर सकते हैं। बैक में आपके पास मैगजीन होल्डर्स दिए जाते हैं एयरप्लेन स्टाइल, और यहाँ से आप एक दफ़ा इसका फ्रंट का व्यू चेकआउट करें। एंड बॉयज, अब ड्राइवर साइड से आ चुका हूँ। वंस अगेन सेम लग्जरी फीलिंग आपको फ्रंट पे भी आ रही है। डोर्स की बात की जाए तो आपके पास पावर विंडोज़ कंट्रोल, मेमोरी सीट, सॉफ्ट पैडिंग हर जगह आपको मिल रही है, और सीट में आपके पास प्लेंटी ऑफ एडजस्टमेंट दी गई है, और परफोरेटेड लेदर सीट्स हैं, लेक्सस का एम्बलम। अब अंदर आते हैं तो यहाँ पे हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है आपके पास। स्टेयरिंग की बात की जाए तो स्टेयरिंग व्हील पे पेडल शिफ्टर्स आ जाते हैं, क्रूज कंट्रोल, लेन की, ऑटोनमस ब्रेकिंग, लेक्सस का एम्बलम, वुडन और रियल लेदर स्टेयरिंग व्हील है जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, स्टार्ट स्टॉप बटन, सेम लग्जरी फीलिंग आपको आ रही है। हर जगह सॉफ्ट पैडिंग की गई है, लेदर स्टिचिंग जा रही है, और वुडन के जो एक्सेंट्स हैं इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं। ऑल दो ओल्ड स्कूल लग रहे हैं बट स्टिल इसको काफ़ी लग्जोरियस बना रहे हैं। देन लेक्सस का क्लॉक आ जाता है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसमें नीचे की बात की जाए, ये इसका एंटी कोलिजन सिस्टम का दिया गया पावर टेल गेट जो कि रेयर बूट है। यहाँ से हेड्स अप डिस्प्ले, ऑटो हेडलाइट्स, हेडलैम्प वॉशर्स और ये बाकी इसके कंट्रोल्स दिए गए। स्टेयरिंग व्हील ऑटो एडजस्टेबल है, प्लेंटी ऑफ एडजस्टमेंट इसमें भी मौजूद है। यहाँ पे आपके पास कैमरा का व्यू दिया गया, काफ़ी बड़ा सा लेक्सस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और फ्रंट के व्यू भी काफ़ी अच्छा, आप काफ़ी हाई अप होके बैठते हैं, व्यू फ्रंट से बहुत बेहतरीन है। देन अगर आपकी हाइट छोटी है तो सीट में आपके पास एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। देन आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल, CD चेंजर आ रहा है, मार्क लेवेंसन का साउंड सिस्टम, ऑटोमेटिक गियरबॉक्स विद ट्रिप्टोनिक फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ट्विन कप होल्डर्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपके पास वायरलेस चार्जर नहीं आता बट फ़ोन होल्डर दिया गया है, ऑक्स USB की फैसिलिटी अवेलेबल है, 12 वॉट आउटलेट दिया गया है। इसी तरह इस साइड की बात की जाए तो यहाँ पे हीटेड स्टेयरिंग व्हील, यहाँ पे ऑटो का फंक्शन भी दिया गया है, हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स, देन इसके 4x4 डिफरेंशियल लॉक, 4x4 नहीं, सेकंड गियर स्टार्ट है, सेंट्रल डिफरेंशियल लॉक है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और ये इसके डिफरेंट कंट्रोल्स दिए हैं, क्रॉल कंट्रोल मोड्स, 4 हाई 4 लो, ऑब्वियसली ऑल टाइम 4x4 है ये। देन यहाँ से आप इसके हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ये इसका जो पैनल दिया गया है ये काइंड ऑफ ए माउस का काम कर रहा है जो कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। साइड पे देख सकते हैं इसका बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें ये, अगर मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ, इसमें टच स्क्रीन नहीं आता जो कि मुझे काफ़ी एक ऑकवर्ड सा लग रहा है कि इतनी महंगी गाड़ी और इतना, मतलब नई गाड़ी है, कोई बहुत ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, बट स्टिल इसमें आपके पास टच स्क्रीन नहीं आती, थ्रू आपको माउस से इसको कनेक्ट करना पड़ता है। ग्लव कंपार्टमेंट की बात की जाए तो ग्लव कंपार्टमेंट में सेपरेशन दी गई है, डिसेंट स्पेस आ जाती है। इसी तरह आर्म रेस्ट की बात की जाए तो आर्म रेस्ट में ऑब्वियसली कूल बॉक्स है, और दैट्स इट, काफ़ी बड़ा आर्म रेस्ट इसका दिया गया, सॉफ्ट आर्म रेस्ट है। एयरबैग्स काफ़ी ज़्यादा हैं, व्यू इसका काफ़ी बेहतरीन है, डायल्स इसके ऑलमोस्ट लैंड क्रूजर से काफ़ी हद तक मिलते हैं, ऑब्वियसली लैंड क्रूजर का ही एक लग्जरी वेरियंट है, जस्ट लाइक डिफरेंट कंपनीज, जैसे निसान में एक इन्फिनिटी आता है। ऊपर अगर आप लोगों को हेड्स अप डिस्प्ले नज़र आ रहा हो, यहाँ पे करके मुझे सामने नज़र आ रहा है, देन इसमें आपके पास ये 260 का मीटर है, लैंड क्रूजर का ऑब्वियसली 180 का होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 196 तक चली जाती है, इसमें 260 का मीटर है। देन आपके पास RPM गेज और बहुत सारी गेजेस दी गई हैं इसमें, ऑयल टेम्परेचर गेज, हीट गेज, फ्यूल गेज, बैटरी वोल्टेज गेज। देन यहाँ से आप इसके बाकी ट्रिप को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से इसकी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह, मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आपको एक दफ़ा इसकी आवाज़ सुना देता हूँ। देख सकते हैं फ्रंट पे लाइट्स भी ऑटो हेडलाइट्स इसकी दी गई हैं, वो देखो, विथ सेल्फ लेवलिंग फंक्शन, लाइट जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की नीचे होके एकदम से इसने अपने आप को ऑटोमेटिक लेवल किया है। यहाँ से इसकी हाइट एडजस्टमेंट का दिया गया है, यहाँ से अगर मैं इस वक्त, ये देख सकते हो गाड़ी इस वक्त अपनी फुल नीचे हाइट पे आ चुकी है, यहाँ से देख सकते हो लो, और इस वक्त गाड़ी अपने नॉर्मल हाइट पे जाएगी और हाई हाइट, ठीक है, तो इस वक्त अपनी मैक्सिमम हाइट पे आ चुकी है। मैक्सिमम हाइट पे जाती है तो इतना पता नहीं चलता, नीचे आती है तो आपको पता चल जाता है, देख सकते हैं। देन इसमें आपके पास ऑब्वियसली 5.7 V8 है, तो इंजन की आवाज़ ही है कितनी बेहतरीन है गाड़ी में, पावर डिलीवरी
अमेजिंग यार, बहुत बेहतरीन पावर है। देन इसकी बात की जाए, इसमें आपके पास एसी परफॉर्मेंस, यार इसमें नहीं अच्छी होगी तो किस गाड़ी में अच्छी होगी। है दिल ही नहीं कर रहा यार इसे बाहर जाने का, इतनी कंफर्टेबल सीट्स हैं, वेंटिलेटेड सीट्स हैं इसमें, इटे स्टेयरिंग व्हील भी दिया जाता है, और ये तो ऑब्वियसली लैंड क्रूजर से काफ़ी हद तक मिल रहा है, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब मस्ट है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। गाड़ी आपको कहाँ पे मिलेगी? सैगल मोटर्स पे। ये चीज़ बताना भूल गया, इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर का फंक्शन भी है। वेल आई गेस बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे फंक्शंस तो लैंड क्रूजर में आते हैं, ये तो फिर उसका एक लग्जरी ब्रांड है, तो इसमें नहीं होंगे तो और किस गाड़ी में होंगे। तो मिलेंगे किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।